मानव तस्करी और देह व्यापार की अंतर्राष्ट्रीय टोली क्राइम ब्रांच के हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच तथा एटीएस दल ने मंगलवार की रात रेलवे स्टेशन पर छापा मारकर सूरत जा रही 9 महिलाओं और एक पुरुष को पकड़ा है। इस टोली के सूत्रधार हाथ नहीं लगने से पुलिस प्रकरण को लेकर गोपनीयता बरत रही है। एटीएस को मंगलवार की रात हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में देह व्यापार और दूसरे अवांछित काम के लिए महिलाओं को सूरत ले जाने का पता चला। एटीएस ने पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को इसकी सूचना दी। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर क्राइम ब्रांच के डीसीपी चिन्मय पंडित ने स्टेशन पर कार्रवाई करने की योजना बनाई। चिन्मय पंडित की अगुवाई में एटीएस दल ने नागपुर स्टेशन पर दबिश दी। रात 10 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। पुलिस को इंजन के बाद की बोगी में महिलाओं के होने का पता चला। उसके पास महिलाओं के साथ मौजूद व्यक्ति का फोटो भी था। उक्त व्यक्ति और महिलाएं बोगी में दिखाई नहीं देने पर पुलिस भी चकरा गई। उसने एक एक कर अन्य बोगियों की भी तलाशी ली। करीब आधा घंटे की खोजबीन के बाद ट्रेन के पिछले हिस्से की बोगी में महिलाएं मिल गईं। पुलिस को 9 महिलाएं और एक पुरुष मिला। उन्हें क्राइम ब्रांच कार्यालय ले जाकर पूछताछ करने पर सूरत जाने का पता चला। महिलाओं के साथ 5 बच्चे भी हैं। सभी 22 नवंबर की रात ट्रेन में सवार हुए। उन्हें बांग्लादेश के दलाल ने हावड़ा के दलाल का नंबर दिया था। 2 युवतियों को अधिक पैसे कमाने का प्रलोभन देकर देह व्यापार, जबकि अन्य 7 महिलाओं को दूसरे अवांछित काम के लिए लाया गया था। हावड़ा का दलाल सभी को सूरत भेज रहा था। सूरत का दलाल सभी को अलग अलग शहरों में रवाना करने वाला था। महिलाओं का कहना है कि देश में वे गरीबी की शिकार हैं। पैसे कमाने की लालसा से वे भारत आए थे। कुछ महिलाएं पहले भी इसी तरह अवैध तरीके से भारत आई थी। कुछ समय ठहरने के बाद लौट गईं। दोबारा काम मिलने का भरोसा दिलाने पर लौट आईं। हावड़ा और सूरत के दलाल के पकड़े जाने पर ही इस रैकेट की सच्चाई सामने आ सकती है। फिलहाल पुलिस ने वांछित आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, सह आयुक्त अश्वती दोरजे, अपर आयुक्त सुनील फुलारी और डीसीपी चिन्मय पंडित के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। परसों के दिन जैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली थी हमारे सीपी साहब श्री अमितेश कुमार सर और एटीएस महाराष्ट्र के जो चीफ है विनीत अग्रवाल सर, इनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ लोग अवैध तरीके से ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं और जिनके क्रेडेंशियल्स कुछ गड़बड़ है, जो कि भारतीय नहीं है। तो इस जानकारी के तहत नागपुर क्राइम ब्रांच और नागपुर एटीएस, इन दोनों ने अपनी अपनी टीम्स बना के, हमने रेलवे जब यहाँ रुकी थी हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा सूरत एक्सप्रेस, तो उसमें जो जनरल बोगी है उसमें जाके हमने चेकिंग किया, तो हमें 10 महिलाएं और एक पुरुष ये मतलब एक अवैध तरीके से ये ट्रैवल करते हुए मिले, जिनके पास में कोई अपने इंडियन होने का इनके पास में कोई पुख्ता कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और जो डॉक्यूमेंट थे वो वेरीफाई नहीं हो पाए। इस बलबूते पे हमने उनकी पूरी छानबीन की, उनसे इंट्रोगेशन किया, तो उसमें ये पाया गया कि ये लोग हावड़ा से निकले थे और उसमें से कुछ लोग बांग्लादेश से आए होने का भी हमें संशय है। तो इसकी अभी चौकसी चल रही है और उसमें से जो 2 महिलाएं हैं ये सूरत जा रही थी और सूरत में वो अवैध जो देह व्यापार है उसके लिए उनका इस्तेमाल किया जाने वाला था, ये इसके भी कुछ सबूत हमें मिले हैं। बाकी जो है शायद लेबर करके उनका इस्तेमाल किया जाने वाला था। तो इस सारी जानकारी के हिसाब से हमने गणेशपेट पुलिस थाने में जिन जिन लोगों ने इनको बॉर्डर क्रॉस कराने में, अवैध तरीके से बॉर्डर क्रॉस कराने में इनकी मदद की है, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में इनकी मदद की है, ऐसे 3 लोगों पे हमने गुनाह दाखिल किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।